नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किलिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूँ आप सबके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। बहुत ही कमाल का टेंडर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में स्किल से जुड़ी हर जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एम्पावरमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एज ट्रेनिंग पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वो संस्थान जो ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी न किसी फील्ड में, उनको मौका दिया जा रहा है ट्रेनिंग पार्टनर बनने का। स्कीम का नाम मैं बताने वाला हूं आपको, साथ ही मैं बताऊं आपको कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रपोजल है, जिसको ESDM योजना के तहत आपको दिया जा रहा है। इसमें दो पार्ट पर काम होना है दोस्तों। पहला है स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेलेक्ट स्टेट्स फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ESDM सेक्टर। ये है स्कीम वन, स्किल डेवलपमेंट इन ESDM फॉर डिजिटल इंडिया। ये है स्कीम टू। दोनों को नियंत्रित करने वाली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्कीम के बाद देखते हैं शेड्यूल। दोस्तों, ये प्रपोजल ऑनलाइन पब्लिश किया गया है 15 जुलाई 2022 को, और इसकी सबमिशन की जो अंतिम तिथि है वो रखी गई है 30 जुलाई 2022 शाम को 5 बजे तक। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसको बोला गया है कि सील एनवेलप में आपको ये देना है, यानी कि जाहिर सी बात है सबमिशन का जो मेथड है या सबमिशन का जो वे है वो रहेगा ऑफलाइन, ऑफलाइन प्रोसेस से आपको ये सबमिट करना होगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों, तो ESDM स्कीम का जो मेन उद्देश्य है वो ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ या स्टूडेंट्स के लिए जो 9th और 10th स्टैंडर्ड, ITI डिप्लोमा और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, उन सबके लिए ये स्कीम रोजगार उपलब्ध करवाएगी, साथ में ट्रेनिंग उनके लिए उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, स्पोर्ट्स फंक्शंस, मेजर इंडस्ट्री वर्टिकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। टाइप ऑफ एक्रेडिटेशन दोस्तों, क्लास ए और क्लास बी को डिफाइन किया गया इस स्कीम के लिए। क्लास ए में वो संस्थान आने वाले हैं जो किसी न किसी रूप में मेरिट्स या ESDM के साथ कार्य कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दी गई है। और क्लास बी में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए वो सभी इंस्टीट्यूट अप्लाई कर सकते हैं जो ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं पर काम कर रहे हैं। लेवल वाइज एलिजिबिलिटी एंड फीस, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें लेवल दिए गए हैं अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, सुपरवाइजर और मास्टर टेक्नीशियन, जिसमें आपको अप्रोक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9,800, 14,700, 17,150 और 19,600 रुपए की फीस। इसके बाद सभी सेक्टर कोर्सेज के लिए 8,400, 12,600, 14,700 और 16,800 रुपए की फीस रखी गई है। दोस्तों, लोकेशन की बात करते हैं। ये प्रपोजल बेसिकली उत्तराखंड स्टेट के लिए है, जिसमें पूरे भारत के सभी ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग पार्टनर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्कीम हर स्टेट के लिए आने वाली है। तो आप ये सोच के आ जाए कि सिर्फ उत्तराखंड के लिए वीडियो बनाया हम लोगों ने, इसको समझकर आप भविष्य में आने वाली ESDM की सभी स्टेट की स्कीम को समझ पाएंगे। लेवल एलिजिबिलिटी और फीस के बाद हम देखते हैं टर्म एंड कंडीशन, जो कि जाननी बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चुनिंदा ट्रेनिंग पार्टनर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कनेक्ट करने के लिए ESDM सेक्टर द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा। TP प्रपोजल सबमिट करेगा परफॉर्मा एनेक्सर 3 के हिसाब से। ट्रेनिंग पार्टनर को प्रपोजल सबमिट करने हैं परफॉर्मा एट एनेक्सर 3 के हिसाब से, जिसमें प्लेस एंड ट्रेन और ट्रेन एंड प्लेस पॉलिसी पे काम करना होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के नेलिट हरिद्वार की परमिशन के बिना ट्रेनिंग पार्टनर कोई और ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर पाएगा। ट्रेनिंग पार्टनर को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्लासरूम, लैब, प्रोजेक्टर, ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग एड्स वगैरह प्रोवाइड करवाने होंगे। ट्रेनिंग पार्टनर ये इंश्योर कर ले कि एडमिशन किए जा रहे कैंडिडेट को प्रॉपर काउंसलिंग के तहत लाया गया है। इसके अलावा संबंधित इंडस्ट्रीज के साथ जो कि इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगी, उनके साथ ट्रेनिंग पार्टनर को उचित टाइप्स भी करने होंगे। ट्रेनिंग्स का एक डेटाबेस मेंटेन करके ट्रेनिंग पार्टनर को समय समय पर
नीट को भेजना होगा। इसके अलावा एक टाइम टेबल भी ट्रेनिंग पार्ट को बनाना होगा पर्टिकुलर बैच के लिए, और उसकी कॉपी भी नीट हरिद्वार को सेंड करनी होगी। एग्जामिनेशन नीट के द्वारा लिया जाएगा, इसका शेड्यूल और एग्जामिनेशन की डेट वगैरह सब इंटीमेट की जाएगी ट्रेनिंग पार्टनर को नीट के द्वारा। और अंत में नीट के द्वारा सर्टिफाइड कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेशन दिए जाएंगे। एवोल्यूशन ऑफ प्रपोजल, दोस्तों नीट के द्वारा स्थापित एक एवोल्यूशन कमेटी को, एक्सपर्ट कमेटी को निर्धारित किया गया है। जो प्रपोजल उनके पास आने वाले हैं उनको स्क्रूटनी के आधार पर सिलेक्ट करने के लिए। गाइडलाइंस फॉर सबमिशन, दोस्तों गाइडलाइंस को जाना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये प्रपोजल ऑफलाइन जाने वाला है एक सील्ड एनवेलप में। उसके अंदर क्या क्या होगा, फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग ESDM एक्रेडिटेशन एज पर लेक्चर 1। लेक्चर्स की बात हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन उससे पहले आप एक बार गाइडलाइंस देख लीजिए। कवरिंग लेटर एज पर लेक्चर 2, परफॉर्मा फॉर सबमिशन ऑफ डिमांड बेस्ड प्रपोजल एज पर लेक्चर 3, अंडरटेकिंग कोड ऑफ एथिक्स बाय ट्रेनिंग पार्टनर्स एज पर लेक्चर 4, और एप्लीकेशन फॉर्म लेक्चर 1 अलोंग विद कवरिंग लेटर लेक्चर 2 मे बी सबमिटेड इन ए सील्ड एनवेलप। जैसा मैंने आपसे कहा, एक सील्ड एनवेलप में आपको सब डॉक्यूमेंट डालकर एप्लीकेशन अगेंस्ट EOI फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर्स इन ESDM सेक्टर लिखकर आपको सबमिट करना होगा इन नीट हरिद्वार के एड्रेस पर, जो कि एड्रेस हमने आपको नीचे मेंशन किया गया है। और इनकम्प्लीट और लेट पहुंचे हुए प्रपोजल को नीट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपसे ये निवेदन है कि सही समय पर आप ये प्रपोजल सबमिट करवा दें। दोस्तों क्राइटेरिया के बारे में हमने बात की, आपसे गाइडलाइंस के बारे में बात की, एवोल्यूशन के बारे में बात की, टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात की। अब बात करने वाले हैं एनेक्सेस के बारे में। इन एनेक्सेस को समझने के लिए आपको इन्हें देखना होगा। हम आपको स्क्रीन पर 1 by 1 एनेक्सेस दिखाएंगे और समझाएंगे किस एनेक्सेस में आपको क्या फील करना है। तो देखते हैं एनेक्सेस। फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग ESDM एक्रेडिटेशन फॉर प्रोविजनल एक्रेडिटेशन, दोस्तों ये एनेक्सेस 1 है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जो की हेड एकेडमिक्स नीट हरिद्वार के नाम पर लिखा जाएगा। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर ESDM प्रोविजनल एक्रेडिटेशन। इसमें आपको डालना है अपने इंस्टीट्यूट का नाम, साथ में आपका पूरा एड्रेस, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, कोर्स कोड क्या है, वर्टिकल क्या है, ये सब डिटेल डालनी है। और नीचे देखिए, जैसे मैंने आपसे बात की थी तो फोर क्लास थी, दोस्तों जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा है नीट CHMO या ए लेवल कोर्स चला रहे हैं इंस्टीट्यूट है, उनके लिए ये क्लास ए का परफॉर्मा उनको सबमिट करना होगा। इसमें उनको 6,000 रुपए की ESDM एक्रेडिटेशन फी पे करनी है, साथ में हर कोर्स के लिए 4,000 जितने कोर्स है अमाउंट पे करनी है। इंस्टीट्यूट इंस्पेक्शन फी 10,000 रुपए रखी गई है, और जो GST है वो इसमें 18% यूटिलिटी, आपको उसमें टोटल फीस जमा करनी होगी। अब आते हैं क्लास बी पर, उन इंस्टीट्यूशन के लिए जो किसी भी तरह से गवर्नमेंट या प्राइवेट रूप से काम कर रहे हैं ट्रेनिंग के क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे PMKY इंस्टीट्यूट होते हैं वो गवर्नमेंट में काउंट होंगे, और बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं वो प्राइवेट में काउंट होंगे। इनके लिए अलग अलग फीस रखी गई है। फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रखी गई है 6,000, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की रखी गई है 12,000 रुपए फीस, ये आपको पे करनी होगी। कोर्स एक्रेडिटेशन वही 4,000 गुना प्रति कोर्स रहेगा, जितने कोर्स चाहिए आपको ये मल्टीपल हो जाएगा। और इंस्टीट्यूशन इंस्पेक्शन फीस 10,000 रुपए आपको पे करनी होगी विद GST 18%। ये है आपका लेक्चर 1, डिटेल आपकी इसमें रहेगी साइन नेम एड्रेस और फोन नंबर के साथ। आपके सामने है लेक्चर 2, स्क्रीन पर कवरिंग लेटर फॉर्मेट के रूप में ये दिखाया गया है, जिसको आपको अपने संस्थान के लेटर हेड पर निकालकर देना होगा। इसमें आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कंडीशन लिखी गई है, साथ में कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आपको इसमें मेंशन करना होगा। एनेक्सेस 3 पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण एनेक्सेस है, परफॉर्मा फॉर सबमिशन ऑफ डिमांड बेस्ड प्रपोजल। इसको समझते हैं, मॉडल दिया गया दोस्तों ESDM का, जैसा मैंने बताया है प्लेस एंड ट्रेन, और दूसरा है ट्रेन एंड प्लेस। इसको समझिए, ESDM स्किलिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स इंटर्न्स, जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाली लेबर है या ट्रेनीज है उनके लिए है प्लेस एंड ट्रेन वाला मेथड, और जिनको आप फ्रेशर्स को उठाकर ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग देने के बाद इंडस्ट्री में प्लेसमेंट देने वाले हैं उनके लिए दूसरा ट्रेन एंड प्लेस मेथड्स। इसमें आपको पर्टिकुलर पार्टिसिपेटिंग कंपनी फर्म का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस, वेबसाइट, ये डिटेल्स मेंशन करनी है, उसके HR का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आपको मेंशन करनी होगी, एनुअल टर्नओवर कितना है, कोर्स कोड क्या है,
कोर्स नेम क्या है, NSTF लेवल और आवर्स कितने हैं, ये सब डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी होगी और इसको सबमिट करना होगा ऑथराइज्ड एंट्री की साइन स्टैम्प के साथ, नेम ऑफ टीपी और डेट एंड प्लेस के साथ। नेक्स्ट नंबर 4 है अंडरटेकिंग कोड ऑफ एथिक्स बाय ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए। हर ट्रेनिंग पार्टनर को आजकल हर स्किल के लिए एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है दोस्तों, कि वो कहीं से पैकेजेड नहीं है, उसमें उसकी डिटेल्स मेंशन होती है, तो ये आपको अंडरटेकिंग भर के देनी होगी विद साइन और ऑफिशियल स्टैम्प। कुल 4 एनेक्सर में ये परिभाषा आपने समझी है ESGM के इस प्रपोजल की। मुझे आशा है ये प्रपोजल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी आपकी पेंडिंग रहती है आप कमेंट कीजिए वीडियो में, उसी वक्त आपकी क्वेरी के बारे में हम आपको सलाह देंगे। इसके अलावा आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फोन पर भी, आपके कॉल्स आमंत्रित है, आपकी जो भी क्वेरीज है उनका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अगली बार मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।